हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एस एन आर जी के उसमें स्वागत है। मैं आज फिर से जनरल स्कूल एंड सोसाइटी जो कि बीएड कोर्स का पेपर फाइव है, इससे पहला जो चैप्टर है उसे चार थियोरी है, उस थियोरी पोर्शन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें पहला मैंने थियोरी डिस्कस कर दिया हूँ जिसमें सिम्बॉलिक इंट्रैक्शन थियोरी, जिसको हिंदी में प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत बोलते हैं, और दूसरा जो है जेंडर स्कीमा थियोरी, जिसको लैंगिक स्कीमा सिद्धांत आज डिस्कस करने वाला हूँ, और थर्ड जो है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, और फोर्थ जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट थियरी है, जिसको आगे आने वाले जो है वीडियो में इस दोनों थियरी को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी और कॉन्फ्लिक्ट थियरी को डिस्कस करूंगा। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास इसको शेयर कर दे, ताकि आगे आने वाले वीडियो का जो है जो लिंक हो सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे और इसका लाभ ले सकें। तो हम लोग चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसमें पहला जो पेपर का नाम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है, तो इसको थोड़ा हम लोग इसमें क्या कोरिलेशन है इंटीग्रेट करके देख लेते हैं, और फिर बाइफर्केट अलग अलग करके इसमें थोड़ा समझ लेते हैं क्या। तो जैसे कि जेंडर आप लोग जानते हैं, जिसको लिंग हिंदी में बोलते हैं, ये क्या चीज़, ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड है, यानी समाज के द्वारा निर्धारित क्या चीज़ है, एक हमारा एंटिटी, समाज के द्वारा निर्धारित एक पहचान है, यानी सोशल एंटिटी हमारा जेंडर। वो पहचान समाज क्या चीज़ किस आधार पर देता है, हमारे बिहेवियर, हमारे कंडक्ट, यानी हमारे आचरण और व्यवहार, जिस तरह हमारा रोल होता है उस आधार पर हमारा क्या चाहिए इंडिविजुअल को क्या चाहिए सोसाइटी एक जेंडर यानी लैंगिक आधारित उसका एक पहचान देती है। और स्कूल, यहाँ पे स्कूल क्या है, एक सोशलाइजिंग एजेंसी है, यानी समाजीकरण का क्या चीज़ एक एजेंसी है, यानी स्कूल काम, स्कूल जो होता है आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन करता है, जिसमें प्राइमरी सोशलाइजेशन का काम हमारा फैमिली यानी समाज कर, हमारा परिवार होता है, यानी जिस परिवार में जन्मते हैं वहाँ पर हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, दूसरा सेकेंडरी सोशलाइजेशन हमारे स्कूल से होता है। और सोसाइटी के जहाँ तक बात है, आज के मॉडर्न स्टेट में, मॉडर्न युग में जो है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे हमेशा यह कल्पना किया जाता है कि समाज कैसा हो, तो एक सिविलाइज सोसाइटी हो, यानी सिविलाइज सोसाइटी के मतलब सभ्य समाज, और इगेलिटेरियन सोसाइटी यानी समतावादी समाज, यहाँ पे समतावादी समाज कहने का मतलब यहाँ पे किसी प्रकार के भेदभाव या फिर बायसनेस या ये सब क्या कोई भेदभाव ना हो, यहाँ पे इसको सोसाइटी का कामना किया जाता है। तो आज हम लोग चलते हैं पहला जो होता है जेंडर स्कीमा थ्योरी को डिस्कस करने। तो इस प्रकार से हम लोग, मैं मान के चलता हूँ कि जितने भी बीएड में इनरोल स्टूडेंट हैं, वो आज क्या स्टूडेंट है, बट आगे आने वाले भविष्य में क्या चीज़, वो मास्टर हैं, शिक्षक हैं, टीचर हैं, जो कि एक सब समाज को स्थापित करने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो हम चलते हैं, पहला जो होता है, जो दूसरा आज थ्योरी जो डिस्कस कर रहा हूँ, जेंडर स्कीमा थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं लैंगिक स्कीमा सिद्धांत। तो यहाँ पे जेंडर स्कीमा जो है, तो यहाँ पे मेन आपका जो है थोड़ा सा एक वर्ड जो है वो है स्कीमा, इसको थोड़ा समझना होगा। जेंडर तो पहले से आप लोग समझते ही हैं, मैंने भी पहले डिस्कस कर दिया, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के वीडियो को जरूर देखिएगा, जेंडर सेक्स में डिफरेंस है और पैट्रियार्की में। तो मैं बता दूँ, स्कीमा जो है एक आपका यहाँ पे मैं लिखा हूँ स्कीमा। स्कीमा क्या चाहिए, एक सुफिक्स का काम कर रहा है, यानी जेंडर स्कीमा दो को वर्ड से मिलकर बना है, पहला जेंडर, दूसरी का स्कीमा। तो जेंडर क्या चीज़ हो गया, जेंडर जो हो गया यहाँ पे पहले आया, जिसको प्रीफिक्स बोलते हैं हिंदी में, उपसर्ग बोलते हैं, और स्कीमा जो होता है सुफिक्स, यानी दोनों जोड़ के मिलकर क्या बना, जेंडर स्कीमा। तो ये दोनों को एक साथ अर्थ समझने से पहले दोनों का अलग अलग अर्थ समझ लेते हैं। तो स्कीमा जो होता है क्या होता है, स्कीमा एक मेंटल फ्रेमवर्क है, या फिर कॉग्निटिव फ्रेमवर्क है, या फिर इसको और बोलते हैं नॉलेज फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क जो है, इसका मतलब जो है एक समाज के द्वारा एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाता है एज अ सिस्टम, ठीक है। और कॉग्निटिव और मेंटल जो है हमारे क्या चीज़ से संबंधित है, ये दोनों संबंधित है हमारे मेंटल यानी दिमाग से, यानी माइंड से हमारा रिलेटेड है। तो इसलिए जो है स्कीमा क्या चीज़ है, एक मेंटल फ्रेमवर्क है, या फिर कॉग्निटिव फ्रेमवर्क, जो कहाँ से आता है, सोसाइटी जो होता है फ्रेमवर्क को तैयार करता है, जिसमें ट्रेडिशनल सोसाइटी में या फिर आज की सोसाइटी में देखिएगा तो डिफरेंसेस होगा, दोनों के में अलग अलग फ्रेमवर्क है, जिसमें पहला जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है तो उसमें पैट्रियार्कल फ्रेमवर्क रहता है, पैट्रियार्कल फ्रेमवर्क होता है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या चाहिए हमारा सोशलाइजेशन होता है, उस तरह से हम लोग सोशलाइज होते हैं, अपना उसमें बिहेवियर को प्रैक्टिस करते हैं।
और जेंडर जिसमें पहले मैं डिस्कस कर दिया हुआ, इसमें भी मैंने तीन तीन पॉइंट जिसमें लिखा हूँ, जिसमें पहला जो होता है कहिए एक सोशली कंस्ट्रक्टेड जो होता है एंटिटी होता है जो कि समाज हमारा कहिए पहचान देता है। दूसरी का कहिए इसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। जेंडर से हमारा क्या चाहिए, जिस मतलब जरा मेरा मेल या फीमेल जो जेंडर है तो मेरा सोसाइटी से यानी समाज से यह एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेल है तो मेल की तरह बिहेव करें, फीमेल है तो फीमेल का जो कि निर्धारित बिहेवियर है उसको मैं फॉलो करूं। और तीसरी का जो है यह डिफ्रेंशिएट करता है क्या जी मेल और फीमेल के जो बिहेवियर में, जो मेल और फीमेल का जो बिहेवियर है उसको दोनों में क्या चीज़ डिफ्रेंशिएट करता है। इस प्रकार से हम समझ गए जेंडर और स्कीमा। तो जेंडर स्कीमा मिला दें तो ये ओवरऑल हम कह सकते हैं जेंडर स्कीमा क्या चाहिए एक मेंटल फ्रेमवर्क है या फिर कॉग्निटिव फ्रेमवर्क है क्या चीज़ के लिए, अबाउट द सोशल कंस्ट्रक्ट, अबाउट द जेंडर एंड द सोशल कंस्ट्रक्ट, जो जो हमारे समाज में जो जेंडर को लिंक को लेकर के जो हमारा एक परसेप्शन जो क्रिएट किया गया है या फिर फ्रेमवर्क तैयार किया गया उसके बारे में क्या चाहिए एक जेंडर स्कीमा होता है। इसी पर ऊपर वाला जो है डिफिनीशन जो है ये ऊपर वाला ई वाला जो डिफिनीशन ऊपर वाला हो गया ये स्कीमा का हो गया, सॉरी यहाँ पे ई जो है सिर्फ और सिर्फ स्कीमा का ई हो गया डिफिनीशन, और यहाँ पे जेंडर स्कीमा दोनों को मिला दिए, जेंडर और स्कीमा मिला दिए तो क्या चाहिए एक मेंटल कंस्ट्रक्टिव या फिर फ्रेमवर्क है अबाउट द जेंडर। यहाँ पे तो जेंडर स्कीमा जो है यहाँ पे देखेंगे तो क्या चाहिए हमारा ओवरऑल क्या चाहिए मेंटल कॉग्निटिव फ्रेमवर्क है या फिर जेंडर के प्रति यानी समाज के द्वारा जो निर्धारित जो होता है हमारे फ्रेमवर्क वो रहता है। अब यहाँ पे जेंडर स्कीमा से रिलेटेड कुछ जो होता है टर्म को पॉइंट वाइज हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला जिसमें है यहाँ पे जेंडर स्कीमा क्या चीज़, जेंडर स्कीमा थ्योरी किसके द्वारा डेवलप किया गया था, यह सांड्रा बेम के द्वारा। कब दिया गया था यह डेवलप किया गया था तो 1981 में। ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत समय बहुत बार यह देखा गया कि सीटेट के एग्जाम में पूछता है और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसको इस थियोरी के बारे में पूछ लिया जाता है, जिसमें UGC नेट का भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते रहता है। तो थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िएगा, और बीएड के जो रिटेन एग्जाम है जहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखना होता है वहाँ पे तो इम्पोर्टेंट है ही। तो यह थियोरी जो प्रपोज किया गया था दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था डेवलप किया गया था तो सांड्रा बेम के द्वारा दिया गया था। कब कहते 1981 में याद रखना। और ये जो थियोरी है वो डेवलप क्या चीज़ एक्सप्लेन करता है तो जेंडर जो थियोरी जो है एक्सप्लेन करता है जेंडर डेवलपमेंट और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द जेंडर बिहेवियर। मतलब इस थियोरी के द्वारा जो हम लोग यह समझने की कोशिश करते हैं जो है कि जेंडर जो सोसाइटी में जेंडर डेवलपमेंट कैसे होता है और उसका जो होता है बिहेव उसके जो जेंडर डेवलपमेंट होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेज मतलब होता है परिणाम से हम लोग का जी समाज में जेंडर बिहेवियर कैसे होता है उसको इस थियोरी में देखा जाता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको देखते हैं, जिसमें नेक्स्ट पॉइंट में कहा दिस थियोरी जिसमें एग्जामिन द चिल्ड्रंस एक्वायरिंग सेक्स डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक। ये जो थियोरी है कैची को एग्जामिन करता है, इस थियोरी में यह पता करता है कि खोजता है या सर्च करता है कि इस थियोरी के माध्यम से कि जो सोसाइटी में जो हमारा जो बच्चा जो जन्मता है जिसका सोशलाइजेशन होता है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक को क्या होता है वो एक्वायर करता है यानी गुण, जिसमें सेक्स डिफाइंड मतलब पहले से जो होता है सेक्स डिफाइंड मतलब एक रोल जो है एक कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन किया, जिसमें मेल का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है फीमेल का अलग है, जिसमें मेल जो सेक्स है उससे रिलेटेड उसका प्रेफरेंसेस क्या होगा उसका चॉइसेस क्या होगा या फिर उसका पर्सनालिटी ट्रेट कैसा होगा, जिसमें पर्सनालिटी ट्रेट में जैसे बॉडी बिल्डिंग जो होता है मेल का होता है फीमेल का जो होता है उसका ब्यूटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जहाँ पे उसको क्या करना है ज़्यादा ब्यूटी का जिसमें ब्यूटी वाला जिसमें फेयर लवली हो गया लिपस्टिक हो गया ये सब का यूज होता है तो यहाँ पे जिसमें पर्सनालिटी ट्रेट में आ जाएगा और प्रेफरेंस क्या होगा चॉइस जिसमें आपका ड्रेसिंग का हो जाएगा, जिसमें कपड़ा पहना मेल है तो वो हाफ पैंट शर्ट टी शर्ट इस पहनेगा और जो फीमेल जो है वो स्कर्ट पहनेगी, इस तरह का परसेप्शन है सोसाइटी में और इस चीज़ को क्या चाहिए चिल्ड्रन जो होता है सोसाइटी से क्या चीज़ एक्वायर करता है। तो इस थ्योरी में यही पढ़ा जाता है, ये जो थ्योरी जो होता है एग्जामिन करता है इस चीज़ को। और थर्ड इसके नेक्स्ट जो है आगे जो का टॉपिक है इसको डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे दिस थियोरी हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर साइकोलॉजी ब्रांच ऑफ द साइकोलॉजी यहाँ पे गलत लिखा गया है
सोशल साइकोलॉजी, यहाँ पे क्या है एक सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी क्या चीज़ की ब्रांच है, एक साइकोलॉजी का ब्रांच है, यानी ये जो थ्योरी जो है यह जो डिस्कस किया गया, डिफाइन किया गया मेनली आपका साइकोलॉजी में है। ये साइकोलॉजी का जो है थ्योरी है जो कोई एजुकेशन में यूज हो रहा है, तो यह सोशल साइकोलॉजी ब्रांच है साइकोलॉजी का। इसके अंडर में जो है इसको थियोरी को डिफाइन किया गया है। विच हैज़ द मेनी सिमिलरिटी टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इस जो थियोरी का जो सिमिलरिटी देखिएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, जैसे जीन पियाजेट और आगे जो थियोरी जो पढ़िएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी, तो वहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि हाँ इससे, या फिर आप पढ़ लिए होंगे आपको मालूम चलेगा कि हाँ इससे सिमिलरिटी है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे, जेंडर स्कीमा इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर जिसमें सोसाइटीज परसेप्शन इन द जेंडर करेक्टरिस्टिक्स, जेंडर थियोरी मतलब कि जैसे मैंने बोला कि सोसाइटी में क्या चीज़ एक स्टीरियोटाइप क्रिएट किया गया रहता है, फिर प्रिजुडिस क्या चीज़ के लेकर के, सेक्स के लेकर, जिसमें मेल है फीमेल है ट्रांसजेंडर है ट्रांससेक्सुअल है, इसके बिहेवियर या फिर इसके रोल को लेकर क्या चाहिए एक प्रिजुडिस स्टीरियोटाइप क्रिएट किया गया। स्टीरियोटाइप मतलब क्या होता है, वैसा थॉट जो कि अनचेंजिंग, मतलब जो समाज में जो है कुछ ना ऐसा विचार जो है वो चलते रहता है लेकिन उसका मतलब जो होता है बदलता नहीं है, और उसका रियल मायने में कितना अर्थ सही है ये उसका अलग बात है, लेकिन रियलिटी कितना अलग बात है, लेकिन जो समाज में अवधारणा बन चुका है उस चीज़ को हम लोग स्टीरियोटाइप बोलते हैं। जैसे में कि बोला जाता है जैसे कि मर्द को दर्द नहीं होता तो एक क्या चीज़ एक स्टीरियोटाइप है जो कि एक अवधारणा है, लेकिन इसका रियल में जाइएगा, रियल फैक्ट्स में जब जो है जाइएगा, इस वर्ड का पोस्टमार्टम कीजिएगा कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो इसे मतलब रियलिटी से बहुत अलग हो जाएगा। तो इस तरह के जो बहुत सारा जिसमें फिर जिसमें औरतों को लेकर क्या है, तो औरत जो होते हैं वो ज़्यादा वो सॉफ्ट होती हैं, या फिर उनका ड्रेस जो होता है पिंक होता है, इस तरह का बहुत सारा अवधारणा बना होता है। इस चीज़ को जो है जेंडर जो है इस थ्योरी में जो होता है परसेप्शन जो होता है बना रहता है उसको क्या चीज़ कहता है, इस चीज़ को बनने में क्या चीज़ थ्योरी जो है मदद करता है मतलब पहचानने में। और आगे जिसमें जो टॉपिक है जिसमें जेंडर स्कीमा बिकम जिसमें लेस रिजिड, इस नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है जेंडर स्कीमा बिकम लेस रिजिड विद द एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज, यानी जो इस थ्योरी जो बताता है कि यह बताता है कि जैसे में कि यह थ्योरी जो होता है बहुत जाकर बाद में कमज़ोर पड़ जाता है, नहीं लेस रिजिड हो जाता है, हमेशा उतना रिजिड नहीं रहता है किस लिए क्योंकि बाय द एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज। जैसे कि अभी हम लोग इसमें जेंडर जो हम लोग पेपर पढ़े जेंडर स्कूलिंग सोसाइटी, तो इसमें जेंडर से संबंधित बहुत सारा हम लोग जो रियलिटी जो है उसको मैंने पढ़ा, थ्योरी को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का एक नॉलेज का इन्हांसमेंट हो रहा है जो है कि रियल फैक्ट से और आपका जो स्टीरियोटाइप है जेंडर को लेकर इसे, तो दोनों में क्या चीज़ हम लोग अंतर समझ रहे हैं क्योंकि इस डिसिप्लिन को पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से जो है जो हमारा जो नॉलेज गेन कर लेंगे तो इसमें जो थ्योरी होता है लेस रिजिड हो जाता है। अब यहाँ पे चलते हैं जिसमें अकॉर्डिंग टू मार्टिन एंड हलबर्सन जो है इनके द्वारा ये जो बताते हैं लोग कि जो जेंडर स्कीमा जो होता है इसका मेनली जिसमें टू टाइप्स होता है, पहला जो होता है जनरल सबोर्डिनेट स्कीमा जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य उच्च कोटि स्कीमा, और दूसरी का जो होता है ओन सेक्स स्कीमा जिसको स्वलिंग स्कीमा बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों को अलग अलग देखते हैं, जैसे कि पहला क्या चीज़ पहला जो है जनरल सबॉर्डिनेट स्कीमा में है कि स्कीमा थ्योरी में हेल्प्स द चिल्ड्रन टू कैटेगराइज ऑब्जेक्ट्स एंड देयर पीयर ग्रुप इनटू मेल एंड द फीमेल, मतलब कि इनका ब्रॉडर मानना जो है एक क्या चीज़ एक जनरलाइज है, जनरल मतलब एक जनरलाइज थ्योरी हो जाता है, एक सामान्य तरीका के मतलब यह स्कीमा हो क्रिएट हो जाता है कि जो होता है बच्चा जो होता है बच्चा को क्या चीज़ एक कैटेगराइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पीयर ग्रुप, जिसमें जिस ग्रुप में रहता है जिसमें मेल कोई बच्चा है मेल चाइल्ड है, तो उसका जो मेंटल जो डेवलपमेंट होता है स्कीमा जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर कि मैं मेल हूँ तो मेल के पार्टनर में मैं पार्टनरशिप में जिसमें मैं एक ग्रुप बनाता हूँ जिसमें दो चार जो है मेल चाइल्ड मिलकर उसको जहाँ पे खेलना भी है तो वहाँ पे मेल के साथ खेलेगा, कपड़ा पहनना है तो किस तरह से जींस ये सब पहनना है शॉर्ट पहनना है
अच्छा उसके बाद गेम खेलना है क्या है? तो आउटडोर गेम खेलना है, आउटडोर मतलब जो फील्ड में। और उसके बाद जैसे बढ़ता है तो उसको बॉडी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आने लगता है। और गर्ल्स है तो उसमें आ जाता है क्या, एक ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है जिसमें जिसमें फेयर लवली लगाना है, लिपस्टिक लगाना है, कान में बाली पहनना है, ड्रेसिंग जो है स्कर्ट पहनना है, इस तरह के उसमें। और क्या चीज़ इसमें जो ग्रुप है उसमें बाई फॉरगेट करता है, दोनों में क्या चीज़ कैटेगराइजेशन कर देता है, जनरल सबऑर्डिनेट स्कीमा ही बोलता है। और जो है सेकेंड जो है, सेकेंड जो है आपका ओन सेक्स स्कीमा है, मतलब वह इसका मतलब यह होगा, ओन सेक्स स्कीमा का मतलब होता है खुद के अपना जो जेंडर है, जो सेक्स है उसके लेकर के परसेप्शन को, यानी उसके परसेप्शन को मैंने जानने की कोशिश करता है, या फिर लर्न इन जिसमें डेप्थ इन्फॉर्मेशन कंसिस्टेंट विद देयर ओन सेक्स, मतलब अपने ही सेक्स के बारे में, अपने जेंडर के बारे में वो खुद का मतलब परसेप्शन बनाने लगता है या फिर सोचने लगता है। अच्छा अब यहाँ पे एक इनका जो जेंडर स्कीमा थियरी जो था उसके संबंधित जो तथ्य था वो समाप्त होता है। अब जो है यहाँ तक जो था जेंडर स्कीमा थियरी के से रिलेटेड जितना भी टर्म था उसको मैंने डिस्कस कर दिया। अब जो है यहाँ पे संडा बेम ने जो होता है एक स्केल का कॉन्सेप्ट दिया जिसको बेम सेक्स रोल इन्वेंट्री, जिसको शॉर्टकट में BSRI बोला जाता है, एक क्या चीज़ एक स्केल है। ये स्केल इस जो है संडा बेम ने जो दिया तो किस लिए, क्योंकि इन्होंने जो अपना रिसर्च जो करा था, एक सोसाइटी में रिसर्च करा था कि मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी जो है, मैस्कुलिन कैरेक्टर क्या है, फेमिनिन कैरेक्टर क्या है, सोसाइटी जो जिसको एस्क्राइब किया हुआ है सोसाइटी, इसको पहले से जो है सोसाइटी में परसेप्शन बना कि जैसे मेल कौन होगा फीमेल कौन होगा, ये तो इसके लेकर क्या चीज़ इन्होंने स्केल दिया। और इस जो स्केल का जो नाम दिया क्या चीज़ BSRI, जिसको बेम सेक्स रोल इन्वेंट्री बोला जाता है। तो इसको थोड़ा बारे में पढ़ लेते हैं, जिसमें क्या चीज़ इट इज़ मेनली अ स्केल फॉर जिसमें मैस्कुलिन मेजरिंग मैस्कुलिनिटी एंड द फेमिनिटी। तो दिस स्केल हैज बीन डेवलप्ड बाय द संडा बेम डेट यूज टू इसमें रिसर्च इसमें जेंडर रोल इन सोसाइटी, यानी इसको मैंने पहले ही बता दिया, जिसमें संडा बेम ने इस थियोरी को दिया और इसका एक स्केल के रूप में दिया। और इसमें क्या कहते हैं कि इस स्केल में जिसमें संडा बेम जिसमें सेक्स रोल इन्वेंट्री में कितना एलिमेंट है, कितना तो 12 गो एलिमेंट है, 6 गो एलिमेंट क्या चाहिए मेल में और 6 जो होता है फीमेल में। इस एलिमेंट के आधार पर इन्होंने इस स्केल का तैयार किया, प्रिपरेशन किया। और जिसमें यहाँ पे बोला इस स्केल को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम को मतलब मैंने ड्रॉ किया हूँ, जिसमें मेनली ये जो डायग्राम जो था संडा बेम ने यूज की थी, जिसमें यहाँ पे एक वाई एक्सिस है और इधर जो था एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के माध्यम से इन्होंने बताया कि और इसमें कितना 1 2 3 4 एक ये पहला हो गया, दूसरा तीसरा चौथा, 4 ब्लॉक है, 4 ब्लॉक के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया इसको, जिसको मैंने साइड में लिखा हुआ, जिसमें पहला ब्लॉक क्या चाहिए था अनडिफ्रेंशिएटेड, कहते हैं अनडिफ्रेंशिएट कब होगा जब जिसका जिसमें मैस्कुलिनिटी जिसमें फेमिनिटी जब दोनों एक मतलब यहाँ पे इसका और इसका दोनों का ओरिजिन जब एक पैडल पे होगा एक पॉइंट पे होगा। तो जैसे कि जब जो बच्चा जो जन्मता है जिसमें छोटा बच्चा जो जन्मता है तो वो समाज में जो होता है उसका कोई उसके पास जो होता है अनडिफ्रेंशिएटेबल मैस्कुलिनिन या फेमिनिन कैरेक्टर होता है। और जो ब्लॉक जिसमें ब्लॉक दो जो है ब्लॉक दो जो है ये क्या बताता है जिसमें कि यहाँ पे मैस्कुलिन कैरेक्टर जो बढ़ता है जिसमें एज बढ़ता है तो यहाँ पे क्या चीज़ मैस्कुलिन कैरेक्टर यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ पे जो होगा ब्लॉक में तो यहाँ पर बता रहा है कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैस्कुलिनिटी ज़्यादा है। और इसी को मैं जो है ऊपर वाई एक्सिस में बढ़ेगा यहाँ पे करेक्टर जो बढ़ेगा तो यहाँ पे फेमिनिन कैरेक्टर बढ़ रहा है तो यहाँ पे जो मैस्कुलिन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फेमिनिन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा अनडिफ्रेंशिएटेबल होगा। यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा तीसरी का जो थर्ड ब्लॉक है तो थर्ड ब्लॉक में जो होता है एंड्रोगाइना जिसको उभयलिंग बोला जाता है, यानी यहाँ पे जो होता है उभयलिंग का यहाँ पे थर्ड ब्लॉक का ये कैरेक्टराइज करता है। और संडा बेम ने 12 गो एलिमेंट जो दिया था इसको मैंने यहाँ पे जो है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा ये कैची के लेकर के फीमेल एंड फेमिनिन के लेकर, जिसमें फीमेल क्या गुण कैरेक्टर क्या होता है वो वार्म होती है, उसके बाद जेंटल होता है, फिर सिंपैथेटिक होता है, एंड
अफेक्सिनेट होता है, फिर सेंसिटिव टू अदर नीड्स होता है एंड टेंडर यानी नाजुक होता है। और यहाँ पे जो है मैस्कुलिन की जो है मैस्कुलिन या फीमेल कैरेक्टर को लेकर के क्या चीज़ यहाँ पे क्या चीज़ है यहाँ पे पहला जो होता है लीडरशिप एबिलिटी होता है, फिर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होता है, तीसरी का आपके एक्ट एज लीडर होता है एंड डोमिनेंट होता है, ये डिफेंस ओन बिलीफ होता है एंड द मेक डिसीजन अर्ली, मतलब जो तो अपना डिसीजन होता है बहुत पहले क्या चीज़ मेल का कैरेक्टर गुण होता है जो कि मेल में जो होता है अपना डिसीजन होता है अर्ली लोग यानी फीमेल के रेस्पेक्ट में ही करता है। तो आज का जो है बस आज का टॉपिक इतना ही था जिसमें जेंडर स्कीमा थ्योरी को मैंने डिस्क्राइब कर दिया। सो गाइस अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। थैंक यू।